हिमाचल की राजधानी शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के पास शनिवार सुबह एक देवदार का पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में एक ऑल्टो कार आ गई जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पेड़ गिरने की घटना के दौरान मौके पर मौजूद युवक ने बताया कि सुबह करीब 7:30 बजे एक शख्स गाड़ी में मरीज लेकर आईजीएमसी आया, लेकिन उसकी गाड़ी यहां खराब हो गई। गाड़ी को धक्का लगाकर सड़क के किनारे खड़ा किया गया, लेकिन कुछ देर बाद देवदार का सूखा पेड़ गाड़ी के ऊपर गिर गया। उन्होंने बताया कि घटना में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। साढ़े 7 बजे होगा सर, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, बंदा धक्का मार के स्टार्ट करने ले जा रहा था, फिर आगे खड़ी कर दिया उसने, गया शॉर्ट लगाने के लिए, तार लाने के लिए अंदर से, इतने में इधर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से पेड़ गिर गया। तो गाड़ी में मौजूद था उस वक्त कोई नहीं था, खाली सारे खाली हो गया था, कोई जानी नुकसान नहीं? नहीं, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं। आप क्या करते हैं यहाँ पे, आप कहाँ से? मैं यहाँ फेरी लगाता हूँ सर। आपके सामने पेड़ गिर? मेरे सामने ही रहा है, सुबह 7:30 हो रहा था। साइड में खड़ी थी गाड़ी? हाँ जी। पार्क किया, खराब है गाड़ी? नहीं, गाड़ी शॉर्ट लगाने का था, बैटरी इसका खराब हो रखा है। अच्छा। गाड़ी का उतने में पेड़ गिर गया? पेड़ गिर गया। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।